वेलकम टू सम्बित हल्दर टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूं सम्बित और मैं आज आपके सामने एक डिटेल्स लेके आया हूं नया लॉन्चिंग मोबाइल Mi 8 जो है, और इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स सब कुछ लीक हो गया है। इसका लॉन्चिंग डेट भी आ गया है हमारे सामने, तो सब कुछ मैं डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जल्दी से, और वीडियो को तो यहाँ पर जो Xiaomi Mi 8 जो लॉन्च होने वाला है लीक के मुताबिक 31 मई को, तो 31 मई को ये लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर जो फुल HD प्लस नहीं, सिर्फ फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में, और डिस्प्ले का साइज होने वाला है 6.2 इंच का डिस्प्ले, और इसका रेजोल्यूशन होगा 1280 पिक्सल्स, और यहाँ पर 20 मेगापिक्सल कैमरा होगा 1.7 एपर्चर के साथ, और 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा 2.0 एपर्चर के साथ, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी होगा, वहाँ पर होगा 2.0 एपर्चर, और इसमें आपको मिल जाता है 6GB रैम, 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज यानी इनबिल्ट स्टोरेज, और यहाँ पर मिल जाता है 8GB रैम वाला और एक वेरियंट जहाँ पर आपको सेम ही शायद 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगा, और यहाँ पर जो बैटरी निकल के आता है 3300 mAh बैटरी और 7.8 mm थिकनेस होगा मोबाइल का, और बहुत ही पतला सा मोबाइल है और 172 grams का वेट होने वाला है। तो यहाँ पर ही पता चल जाता है मोबाइल तो फिलहाल के लिए बहुत ही हार्डी होगा, और यहाँ पर जो प्राइस चल के आया है CNY पे यानी चाइना में इसका प्राइस टैग दिया गया है 2999 CNY, तो यहाँ पर इंडिया में करेंसी अगर कन्वर्ट होता है तो उसके हिसाब से 32,000 के ऊपर इसका प्राइस। आगे चल के देखना है 31 को ये जब लॉन्च होता है 6.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ, तब जाके इसका क्या रिप्लाई मिलता है यानी क्या इंप्रेशन मिलता है, और लोगों के पास अगर है ऐसा मोबाइल 220 मेगापिक्सल का जो सेंसर जो प्राइमरी कैमरा यानी आपका रियर कैमरे में होगा, और उसके साथ ही डुअल कैमरा के हिसाब से 16 मेगापिक्सल का और एक कैमरा होगा, इस दोनों कैमरे से बोके इफेक्ट वगैरह तो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर अपर्चर जो पहला जो 20 मेगापिक्सल के कैमरा जैसे कि मैंने बताया 1.7 अपर्चर होगा, बहुत ही अच्छा कैप्चर कर सकते हो पिक्चर, और 16 मेगापिक्सल का और एक 2.0 अपर्चर के साथ कैमरा दिया गया है डुअल रियर कैमरा, और इससे बोका तो बहुत ही अच्छा आएगा। ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के मदद से आपका जो डुअल रियर कैमरा है काम करेगा और बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी ला पाएगा। और यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है 2.0 एपर्चर के साथ, उसमें भी सेल्फी बहुत ही अच्छा सेल्फी खींच सकते हो, पर यहाँ पर जो डुअल रियर कैमरा जो रियर कैमरे के हिसाब से दिया गया है उतना अच्छा नहीं होगा, पर यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन मोड फोर्ड सब कुछ एनेबल हो जाएगा, तब जाके आपको बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी पिक्चर भी मिल जाएगा। तो सेल्फी के लिए ये बहुत ही अच्छा कैमरा है 16 मेगापिक्सल, पर ये कैमरे में जो प्राइस टैग के हिसाब से कैमरा हार्डवेयर बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप लोग भी खरीद सकते हैं। कौन कौन खरीदेगा ज़रूर मुझे बताना, और आप अगर Mi 8 के लिए उत्सुक होंगे तो डिटेल बॉक्स में जो भी डिटेल्स लिख हुआ है साइट पे देखो और जूम करके देखो, तब जाके पता चलेगा। और होप आपको सारे डिटेल्स मिल चुका है इसके बारे में यानी Mi 8 के बारे में। इसका लॉन्च 31 मई को होगा चाइना में, तब जाके आपको पता चलेगा इंडिया में कब लॉन्च होगा, उसका नोटिफिकेशन डिटेल्स सब कुछ बता दिया जाएगा फिर से अगर कोई नया डिटेल्स मिले तो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोजाना कुछ ना कुछ टेक्निकल नया वीडियोस लाता हूँ, और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को दबा लेना चाहिए उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।